हेलो दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो वाईफाई प्रिंटर इंस्टॉलेशन पर रहेगा। तो अभी हम लोग एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे कैसे प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये हमारा पीसी है, सर्वर पीसी, ये अपना वाईफाई से कनेक्ट है। ओके, देखिए हमारा ये प्रिंटर इंस्टॉल है ऑलरेडी। अभी मैं इसको शेयरिंग करता हूँ। और ये हमारा पीसी नेम है, तो हम लोग क्लाइंट पीसी पे ये पीसी नेम सर्च करेंगे। ओके, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा वाईफाई से कनेक्ट है। हमें एडवांस शेयरिंग पे आकर के सारी परमिशन को अलाउ करना होगा, और अगर हम यूज़र को पासवर्ड दे रखे हुए हैं तो हमको पासवर्ड वाला ऑप्शन ऑन करना होगा, बाकी सारे ही ऑन रहेंगे। पासवर्ड का भी ऑन करना होगा अगर यूज़र को मैंने पासवर्ड दे रखा है तो। हमारा प्रिंटर यहाँ पे शेयर हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट पीसी पे आते हैं। तो अभी मैं क्लाइंट पीसी पे आ गया हूँ, और क्लाइंट पीसी पे देखिएगा मेरा ये वाईफाई से ही कनेक्ट है ये भी। और अभी हम लोग यहाँ पर बैक स्लैश दोबारा टाइप करते हैं, उसके बाद में हम लोग उस पीसी का नाम टाइप करते हैं जो हमारा पीसी नेम था। अभी हमने टाइप कर लिया हुआ है, अभी मैं इसको एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं ओके करूँगा तो हमारा जो वहाँ का शेयरिंग का ऑप्शन था, देखिए हमारा ये हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ से मैं राइट क्लिक करके प्रिंटर को कनेक्ट करता हूँ। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है अभी। तो दोस्तों, हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं कि कंट्रोल पर जाते हैं और हम अपना प्रिंटर को चेक करते हैं कि हमारा प्रिंटर कौन सा है। ये शायद मेरे ये प्रिंटर है, लास्ट वाला जो प्रिंटर है वो अपना प्रिंटर है। अभी मैं इसका एक टेस्ट पे देता हूँ, देखिएगा। राइट क्लिक पे आकर के प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर उसका टेस्ट पेज देते हैं। टेस्ट पेज ये मैंने दे दिया हुआ है, और अभी देखिएगा मैं आपको प्रिंट भी इसका दिखा देता हूँ कि ये प्रिंटर का प्रिंट ये आ गया है। देखिएगा ये हमारा प्रिंट आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।